ठीक है ठीक है, हाँ, ठीक है सब लोग आए हुए हैं तो मैं सबके साथ एक लिंक शेयर करना चाहता हूं आ, जो एक थोड़ा सा बेटर रिकॉर्डेड वर्जन होगा इन लेक्चर्स का जस्ट वेट अ मिनट गाइस काफी आपके लेक्चर्स में वहां पे अपलोड करूंगा ठीक है एवरीवन वन इसको सेव एंड सब्सक्राइब कर लेना लेट लेट मी मी सेव प्रीति मैम आर यू देयर सर ओके ठीक है uh, मैं आपको भी वो लिंक भेज दे रहा हूं यहां पे भी भेज दूंगा ठीक है तो एक बार ग्रुप में भी uh, एक मिनट लेट मी शेयर द लिंक हाँ, मतलब आपको आप यहीं से कॉपी कर लेंगे कोई इशू नहीं है yes. प्रीति मैम ये, ये ये लिंक सेव कर लीजिएगा आप भी ठीक है सब लोगों को मिल गया होगा होपफुली ठीक है आ, ये तुम्हारे तुम्हारे सीनियर्स का ऑलरेडी रिकॉर्डेड लेक्चर है इन अ बेटर एडिटेड वर्जन ठीक है ये लेक्चर्स तो अपलोड होंगे ही जो मेरे अभी भी होंगे बट इस तरह के लेक्चर्स भी आप लोग देखेंगे ज्यादा बेटर रहेगा इज अ मच बेटर रिकॉर्डेड लेक्चर ठीक है प्रीति मैम ये ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा ठीक है आ, जब मैं होमवर्क दूंगा कॉम्प्लेक्स नंबर का तो उसके साथ आप ये लिंक शेयर कर दीजिएगा मुझे याद दिलाइएगा ठीक है ओके सर यस चलो स्टार्ट करते हैं एवरीवन हाँ घंटी भी बजा दी ठीक है थैंक यू स्टार्ट करते हैं लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर वेरी वेरी सिंपल टॉपिक व्हेन इट कम्स टू जेईई मेंस एंड वेरी एंड अ गुड लेवल और अ डिफिकल्ट टॉपिक विद रेस्पेक्ट टू एडवांस ठीक है okay. तो कहीं ना कहीं मुझको ऐसा लगता है कि इस इस टॉपिक का एडवांस पोर्शन के लायक अभी तुम लोग नहीं हुए हो यू गाइज गेटिंग मी देर जर्नी ना तुम लोगों ने अभी स्टार्ट किया ऑलमोस्ट सिक्स मंथ्स हुए हैं बट अभी भी इट इज स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो लॉन्ग वे टू गो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडवांस क्वेश्चन हमेशा सबसे लास्ट में लोग करते हैं जब पूरा सिलेबस खत्म हो जाता है जब जेई मेन हो जाता है उसके बाद लोग उसका एडवांस करते हैं ठीक है दूसरी चीज द गुड थिंग अबाउट दिस टॉपिक इज कि ये टॉपिक किसी और टॉपिक में बहुत कम यूज होगा मतलब 0.1% या 1% से ज्यादा यूज नहीं हो सकता ये टॉपिक इट इज अ टोटली स्टैंड अलोन टॉपिक बट हां इसमें क्या यूज होना है वो आपको पता होना चाहिए मैंने क्यों इसको अभी तक वेट किया था इसमें जो चीज यूज होनी है वो सर्कल का पार्ट यूज होनी है आज के लेक्चर में भी सर्कल का पार्ट ना यूज हो बट आगे के लेक्चर में सर्कल का पार्ट यूज होगा आ, क्या सर्कल का पार्ट सर्कल की डेफिनेशन सर्कल का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिक्वल टू ए स्क्वायर जनरल फॉर्म ठीक है तो ये चीजें आगे यूज इस चैप्टर में आगे यूज होंगी इक्वेशन ऑफ सर्कल तो वो चीज यूज होती है बट द अदर वे राउंड ये बाकी चैप्टर्स में बहुत ही कम बहुत ही कम यूज होता है मतलब वन परसेंट भी नहीं यूज होता है तो अभी हम टारगेट ऐसे करेंगे कि, कि आपका बोर्ड्स कंप्लीट हो जाए आपका सीटी कंप्लीट हो जाए आपका मेन्स कंप्लीट हो जाए ठीक है जो इसके डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन है डेट वी लीव टू द लेटर और जैसे ही ये टॉपिक खत्म होगा वी विल स्टार्ट विथ इट यस ग्रेट ठीक है हाँ. तो स्टार्ट करते हैं लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करूं रियल नंबर सबको पता है कोई भी, कोई भी भी नंबर जो एग्जिस्ट करता है वो रियल नंबर होता है जब हमने थ्योरी ऑफ इक्वेशन पढ़ा था तो उसमें मैंने देखा था कि रूट ऑफ इमेजिनरी नंबर्स आ गए थे इमेजिनरी रूट्स आ गए थे जिसमें रूट के अंदर क्या आ रहा था रूट के माइनस वन आ रहा था या माइनस टू आ रहा था या माइनस फिफ्टी आ रहा था इनफाइनाइट वैल्यूज आ रही थी रूट के अंदर बट इन अ नेगेटिव टर्म तो वो चीजों को हम बोल रहे बोल रहे थे आर इमेजिनरी नंबर ठीक है? इमेजिनरी नंबर, तो किसी को भी डिफाइन करने के लिए रूट ऑफ माइनस वन को एक वर्ड बोला गया आई बेसिकली आई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन या फिर अगर मैं यहां पे सही से लिखूं तो आप ये यहां पे ये लिख सकते हैं i इज इक्वल टू रूट ऑफ माइनस वन आई इज इक्वल टू आई को इमेजिन नंबर बोलते हैं बोलते हैं कुछ भी बोल दो मैं i बोलूंगा सबसे सबसे छोटा मुझे i लगता है तो आई विल से i ओके i इज इक्वल टू रूट ऑफ माइनस वन ठीक है तो यहां पे x प्लस आई वाई जहां पे x एंड y आर रियल नंबर्स, जैसे मैं एग्जांपल दू एग्जांपल के लिए याद करो जब कॉम्प्लेक्स जब वो सॉल्व करते थे तो इस तरह से आ जाता था ना आ, x की वैल्यू x की वैल्यू या जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते थे उसकी वैल्यू आ जाती थी टू प्लस रूट ऑफ माइनस ट्वेंटी फाइव काफी बार ऐसा सॉल्यूशन आता था ना टू प्लस रूट ऑफ माइनस ट्वेंटी फाइव क्योंकि माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर एसी एस टू ए तो इसको लोग एक बार मैंने थ्योरी ऑफ इक्वेशन में बताया भी था कि इसको इस तरह से लिखा जा सकता था टू प्लस माइनस ट्वेंटी फाइव को माइनस ट्वेंटी फाइव को माइनस वन इंटू ट्वेंटी फाइव लिख सकते हो माइनस वन इंटू ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव को अब रूट के बाहर लाएंगे तो ट्वेंटी फाइव बिकम फाइव फाइव रूट ऑफ माइनस वन लेकिन वही चीज है हर हर एक केस में जब भी यहां पे अंदर निगेटिव होगा तो रूट के अंदर माइनस वन बचेगा तो उसको लिखने के लिए लोगों ने लिख दिया रूट टू प्लस फाइव आई आई एक सिंपल वे है किसको लिखने का रूट ऑफ माइनस वन लिखने का तो यही चीज बन गई एक्स इज इक्वल टू आई वाई एग्जाम्पल और भी एग्जाम्पल सॉरीवल टू जेड जेड क्यों कोई ना कोई नंबर से डिनोट करना था तो x तुम्हारा जा चुका था वाई तुम्हारा जा चुका था बचा क्या एबीसीडी बचे थे या फिर जेड बचा था तो लोगों ने सोचा जेड ले लेते हैं ठीक है तो जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई तो एग्जाम्पल के लिए जेड इज इक्वल टू थ्री माइनस फोर आई जेड इज इक्वल टू सेवन बाई टू प्लस ट्वेंटी नाइन आई सही लिखा है जेड इज इक्वल टू रूट सेवन प्लस रूट फाइव आई आई रूट के अंदर नहीं है आई बाहर है ये भी लास्ट वाला भी सही लिखा है एग्जाम्पल मैंने यस yes. क्यों क्योंकि जो एक्स एंड वाई है वो रियल नंबर है रूट सेवन रूट फाइव भी रियल नंबर सेवन बाई टू एंड ट्वेंटी नाइन भी रियल नंबर है थ्री और माइनस फोर भी रियल नंबर है तो z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई अब एग्जाम्पल देखो अगर मेरा x जीरो है अगर x जीरो है तो सिर्फ आई वाई वाला टर्म बच रहा है यानी दिस इज प्योरली इमेजिनरी विच इज प्योरली इमेजिनरी लेट मी म्यूट इट एक वाई इज इक्वल टू जीरो अगर वाई जीरो हो गया तो आई वाई पूरा उड़ जाएगा ना वाई जीरो हो गया तो आई वाई पूरा उड़ गया, तो गया तो सिर्फ x बना विच इज प्योरली रियल अगर y नॉन जीरो है तो डेफिनेटली इमेजिनरी वे तीसरा वाला लाइन लिखने की जरूरत है नहीं है उससे कोई मतलब नहीं ठीक है अब ये समझो रियल पार्ट ऑफ z इज x x मतलब अगर मैं इसका रियल पार्ट पूछू इसका रियल पार्ट पूछू तो थ्री इसका रियल पार्ट सेवन बाई टू इसका रियल पार्ट रूट सेवन इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इमेजिनरी पार्ट सब लोग काफी लोग बोल रहे हैं सर माइनस फोर आई माइनस फोर आई नहीं माइनस फोर आई नहीं आई तो बाय डिफॉल्ट है मेरा मुझे सिर्फ और सिर्फ कोएफ़िशिएंट लेना है आई का आई का कोएफ़िशिएंट आई का कोएफ़िशिएंट क्या है माइनस फोर प्लस ट्वेंटी नाइन रूट फाइव ठीक है समझ में आया सबको तो अगर मैं इसको जेड वन बोल दू Z1, इसको Z1 बोल दू तो रियल पार्ट ऑफ Z1 ऐसे शॉर्ट फॉर्म में आ ही लिखा जाता है क्या होगा रियल पार्ट ऑफ Z1? वन थ्री इमेजिन पार्ट ऑफ Z1 वन माइनस फोर कुछ लोग फोर बोल रहे हैं अगेन मैं बोल रहा हूं दिस इज माइनस फोर ठीक है ये तीसरा वाला पॉइंट आपको लिखने की जरूरत नहीं है अगर किसी को कंफ्यूज कोई इट मैटर थर्ड वाला पॉइंट सिर्फ पहला दोनों पॉइंट है तीसरा वाला ऐसे ही लिखने लिखते जोश में आके बहके लिख दिया जाता है ठीक है, ठीक है। समझे लोग जोश में काफी आ जाते हैं ना जोश जोश में तो किसी ने पहला पॉइंट लिखा दूसरा पॉइंट लिखा सोच रहे होंगे कि दो पॉइंट कम पड़ रहा है ना कुछ एक और पॉइंट लिख दिया जाए तो इस वजह से लिख दिया कि डेफिनेटली इमेजिनरी तो वो तीसरा पॉइंट भी आ गया जोश में ठीक है जोश से याद आया अपने विक्की कौशल की शादी हो रही है पता होगा सबको पता है हाँ हाँ विक्की कौशल अच्छा कुछ लोग पूछ रहे हैं विक्की कौशल कौन है ठीक है कोई बात नहीं अच्छी बात है हुँ. कैटरीना कैफ के साथ हो रही है ठीक है नहीं मुझे इनवाइट नहीं किया है बैड लक अभी लास्ट टू लास्ट वीक जिम में दिखा था विकी कौशल, मतलब बट आई डोंट नो हिम पर्सनली तो ऑब्वियसली uh, कुछ हाई हेलो नहीं हुई बट जिम में आता है सो एवरी वन डन हाँ जिम में आता है मतलब मेरे ही जिम मतलब हम दोनों सेम जिम जाते हैं ऑब्वियसली ठीक है एवरी वन लिख लो इसको हाँ। लिख लो लिख लो हम्म सिमरन डेफिनेटली ठीक है आगे बढ़े लिख लिया सबने तो बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन सबको समझ में आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है कोई ऐसा आप लोगों में से बचा है जिसको कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है उसमें इशू एनी नहीं नहीं होना चाहिए ठीक है बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है Uh, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे आराम से पढ़ेंगे अच्छा काफी लोग इस थर्टी थर्टी फर्स्ट को आप लोगों का टेस्ट होगा मैं मैथ्स का सिलेबस बता दे रहा हूं मैथ्स का सिलेबस सिलेबस स्पेलिंग ठीक है सब लोग सुन लो थर्टी थर्टी फर्स्ट को जो मैथ्स का टेस्ट होगा उसका सिलेबस बता दे रहा हूं इन थ्योरी ऑफ इक्वेशंस सीक्वेंस एंड सीरीज बाइनोमियल थ्योरम, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रेट लाइन सर्कल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर गॉट इट? कॉम्प्लेक्स नंबर भी आएगा यस यहां पीओस भी रहेगा गॉट इट? ठीक है तो अब बाद में कुछ दिनों में आपके पास ग्रुप पे भी थ्योरी ऑफ इक्वेशन ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ग्रुप पे भी पोस्ट हो जाएगा ठीक है बट अभी भी मैं बता दे रहा हूं यस yes. हाँ यहां पे x एंड y दोनों रियल नंबर है जब मैं रियल पार्ट ऑफ z बोलूंगा तो वो x की वैल्यू होगी जब मैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बोलूंगा तो वो y की वैल्यू होगी ठीक है, yes. ठीक है? नेक्स्ट पेज पे आ रहा हूं मैं आई एम कमिंग ऑन द नेक्स्ट पेज एग्जाम्पल ले लेते हैं एक और एग्जाम्पल टू माइनस थ्री आई रियल पार्ट टू इमेजिनरी पार्ट माइनस थ्री क्लियर हुआ अगर किसी को अभी पिछले क्वेश्चन में डाउट था अभी क्लियर हुआ ठीक है लिख लो जल्दी से फिर आगे बढ़ते अगर कॉम्प्लेक्स नंबर यस क्रिसमस में हॉलिडे रहेगी क्रिसमस वाले दिन हां यश कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल्स टू जीरो इज बोथ प्योरली रियल एज वेल एज प्योरली इमेजिनरी क्योंकि जीरो एक जीरो एक वैसा नंबर है ना अगर कोई चीज जीरो हो गई तो उसमें रियल पार्ट भी जीरो हो गया इमेजिनरी ये भी वही चीज है सेंटेंस की तरह है अगर तुमसे कभी भी पूछा जाए अभी अगर कभी तुमसे पूछा जाए कि विच नंबर विच अ नंबर विच इज प्योरली रियल एज वेल एज प्योरली इमेजिनरी तो डेट इज जीरो ठीक है अच्छा आई ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आई इज नीदर पॉजिटिव नॉट निगेटिव नॉट ठीक है जो मेरा आई होता है या मेरा कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर या कोई भी मेरा जहां पे आई आ गया वो इमेजिनरी है ना वो रियल है ही नहीं ना तो वो उसमें पॉजिटिव निगेटिव का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता आई में मतलब माइनस टू माइनस थ्री आई क्या ये एक निगेटिव नंबर है नो no. क्योंकि ये रियल नंबर है ही नहीं जो पॉजिटिव निगेटिव का कॉन्सेप्ट होता है वो रियल नंबर पे डिफाइन होता है वो रियल नंबर पे डिफाइन होता है इमेजिनरी नंबर में देर इज नो पॉजिटिव थिंग और देर इज नो निगेटिव थिंग या फिर कोई बोले कि माइनस थ्री आई ये निगेटिव नंबर है नो no. या कोई बोले कि फोर आई इज ग्रेटर देन टू आई ये भी नहीं है क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव कोई ही है ही नहीं इमेजिनरी थिंग्स में कोई भी कंपैरिजन हो ही नहीं सकता फोर आई टू आई से बड़ा नहीं होता या फोर आई टू आई से छोटा नहीं होता ठीक है ये आई है आयोटा आयोटा, ठीक है तो ऐसा कोई भी कंपैरिजन होता ही नहीं है यू कैन नॉट कंपेयर इमेजिनरी नंबर्स ओके देर इज नो पॉजिटिव नो निगेटिव यानी कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऑब्वियसली इमेजिनरी नंबर्स होते हैं क्यों क्यों क्योंकि उनमें आई आ जाता है तो ऐसा कोई ही नहीं कि ये छोटा है ये बड़ा है ओके okay? ठीक है तो अगर i पॉजिटिव या निगेटिव कुछ भी नहीं हो सकता तो इनइक्वालिटी में हम किस नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं याद करो मैंने बोला था इन कैन बी मल्टीप्लाइड ओनली बाय अ पॉजिटिव नंबर बट अगर ये कुछ भी नहीं है तो वी कैन नॉट मल्टीप्लाई आई अक्रॉस इनइक्वालिटी मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर्स में कभी भी इनक्वेलिटी आ ही नहीं सकती ठीक है लिखो मैं पानी की बॉटल ला रहा हूं अपना ना आवाज आ रही है ना मेरी ग्रेट ठीक है तो ये ये चीज क्लियर हो गई सबको किसी को कोई इश्यू समझने में नहीं ना फाइन ठीक है ग्रेट आगे बढ़ते हैं अच्छा मैं उसको नंबर लाइन पे तो नहीं रिप्रेजेंट कर सकता ठीके? लेकिन लोगों ने सोचा कि किसी तरह कुछ रिप्रेजेंटेशन आए तो कुछ कुछ चीजें इजी हो, होता है ना खुराफाती दिमाग जैसे होते हैं ना कुछ लोग कि क्यों नहीं कर सकते कुछ ना कुछ करके कुछ जुगाड़ लगा के कैसे भी कहीं ना कहीं उसको रिप्रेजेंट किया जाए तो लोगों ने सोचा z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई था दो वेरिएबल आ रहे थे ना x एंड y तो दो वेरिएबल एक्स एंड वाई कैसे रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं अपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाली चीज कोऑर्डिनेट जेमेट्री वाली चीज तो जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस डिनोटेड एज अ ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई यूजिंग दिस द कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी प्लॉटेड ऑन अ 2d प्लेन 2d प्लेन मतलब ये कौन सा पार्ट होगा ये रियल रियल पार्ट ऑफ z व्हिच इज एक्स ये वाली लाइन कौन सी होगी लिखा है ऑलरेडी लिखा है तो मैं इरेस कर दे रहा हूं ये वाली लाइन कौन सी होगी वाई तो अगर कोई तुमको z इज इक्वल टू फोर प्लस फाइव आई रिप्रेजेंट करना है इस प्लेन पे तो फोर प्लस फाइव आई का कहां होगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन वन टू थ्री फोर ये होगा ना सबको समझ में आ रहा है गायब हो गया ये तो अपने आप हाँ गायब हो गया जिसको कुछ लोग फोर कॉमा फाइव की तरह भी बोल देंगे पॉइंट गॉट इट काफी लोगों ने फिजिक्स में भी ऐसी चीज कुछ देखी होगी ठीक है ये फोर वाले के ऊपर है और ये फाइव वाले के ऊपर है टू माइनस थ्री आई पॉइंट क्या होगा टू कॉमा माइनस थ्री ठीक है ठीक है ये मेरा इमेजिनरी एक्सेस हो गया ये मेरा रियल एक्सेस हो गया रियल एक्सेस पे एक्स की वैल्यू आ रही होगी इमेजिनरी एक्सेस पे वाई की वैल्यू आ रही होगी इमेजिनरी पार्ट क्या होता है वाई की वैल्यू गॉट इट लिख लो सब लोग फिर मैं नेक्स्ट पेज पे आता हूं सब लोग लिख लो फिर मैं नेक्स्ट पेज पे आता हूं हाँ, आगे बढ़ते हैं एक क्वेश्चन है सिंपल सा सब लोग Z इज इक्वल टू रूट फाइव माइनस अच्छा कुछ लोग पिछले साइड पे हैं लिख लो पिछली साइड आविष्कार टू कॉमो माइनस थ्री कहां होगा टू माइनस थ्री टू कॉमो माइनस थ्री कहां होगा यहां होगा ना फोर्थ क्वाड्रेंट क्वार ऐसी बात मत पूछा करो आविष्कार ठीक है पूरा स्ट्रेट लाइन सर्कल हो चुका है फिर भी तुम पूछा टू कॉमो माइनस थ्री कहां होगा सो डजंट लुक नाइस ना बेटा ठीक है आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन है z इज इक्वल टू रूट फाइव माइनस फाइव फाइव पहला पार्ट है रियल पार्ट ऑफ रियल पार्ट ऑफ रियल पार्ट ऑफ z निकालना है दूसरा है इमेजिनरी पार्ट ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z निकालना है ठीक है दो क्वेश्चन है करो इसको एक मिनट देता हूं उसके बाद बताऊंगा मैं जो मैंने लिंक शेयर किया है सब लोग वो लिंक सेव कर लो उस, उसके ऊपर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि उसके ऊपर यू विल गेट बेटर रिकॉर्डेड वीडियोस इन अ स्मॉल 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 क्लिप जैसे इसमें तो पूरा पूरा चीजें आएंगी उसमें थोड़ा सा कट शॉर्ट करके आएंगी नॉट नॉट राइट नाउ नॉट राइट नाउ मतलब पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का आएगा फिर पुराने पुराने चैप्टर्स का आता जाएगा तो वो बाद में रिविजन के लिए काम आएगा आपके पहला पहला करते हैं पहले का आंसर है रूट फाइव कैसे हुआ स्टेप बाय स्टेप करते हैं सबसे पहले सिर्फ मैं इतना सॉल्व करता हूं रियल पार्ट ऑफ जेड क्या होगा व्हाट इज रियल पार्ट ऑफ जेड रूट फाइव तो आर आर ये जो मैंने ब्रैकेट में इतना पोर्शन लिखा है दिस वुड बी रूट फाइव अब रियल पार्ट ऑफ रूट फाइव क्या होगा अब मैं इत, इतने पोर्शन की बात करूं इसकी वैल्यू क्या होगी रियल पार्ट ऑफ रूट फाइव की वैल्यू क्या होगी इट इज द रूट फाइव ओनली क्योंकि रूट फाइव इज अ रियल नंबर तो इसकी वैल्यू हो जाएगी और ऑब्वियसली ये भी फाइव हो जाएगी पहल, पहला पहले केस का आंसर रहेगा रूट फाइव ठीक है दूसरे केस का आंसर दूसरे केस का आंसर देखो कुछ लोग गलत कर रहे हैं आधे लोग गलत कर रहे हैं आधे लोग सही कर रहे हैं आधे लोग गलत कर रहे हैं जीरो इट इज जीरो ठीक है सबसे पहले वही चीज इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या होगा रूट फाइव माइनस फाइव आई का इमेजिनरी पार्ट क्या होगा इमेजिनरी ऑफ माइनस फाइव ठीक है माइनस फाइव आई नहीं ध्यान रखना माइनस फाइव दोनों में डिफरेंस है ना इमेजिनरी पार्ट में आई नहीं आता ना तो माइनस फाइव ठीक है अब इमेजिनरी पार्ट ऑफ माइनस फाइव क्या होगा अब तो माइनस फाइव एक रियल नंबर है अगर माइनस फाइव को जेड इज इक्वल टू माइनस फाइव की बात मैं करता हूं तो इसका एक्स क्या है माइनस फाइव इसका वाई क्या है जीरो ये तो सबको समझ में आता है ना अगर वही चीज मैं जेड इज इक्वल टू फाइव आई की बात करूं तो इसका एक्स क्या है जीरो वाई क्या है 5. तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ माइनस फाइव क्या वैल्यू दे, देखी जाएगी वाई की वैल्यू क्या है माइनस फाइव की वाई की वैल्यू ठीक है बस हमको यही लिखना है रियल पार्ट ऑफ जेड मतलब एक्स X, X की वैल्यू इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड मतलब वाई की वैल्यू ठीक है और एक्स और y कैसे निकालोगे कंपेयर करके किसी भी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का एक्स एंड वाई लिखने में आप लोगों को कोई भी इश्यू नहीं होना चाहिए ठीक है तभी तो कोई रियल पार्ट ऑफ जेड रूट फाइव रियल पार्ट ऑफ रूट फाइव रूट फाइव रियल पार्ट ऑफ रूट फाइव अगेन रूट फाइव इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड माइनस फाइव इमेजिनरी पार्ट ऑफ माइनस फाइव जीरो ठीक है क्लियर ठीक है काफी लोगों को सेकेंड वाले में कंफ्यूजन हो रही है इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड माइनस फाइव हो गया अब तुम्हारे लिए क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इतना है अब पहला भूल जाओ क्वेश्चन मुझे बताओ माइनस फाइव का इमेजिनरी पार्ट क्या है क्या माइनस फाइव में आई आ रहा है नहीं आ रहा है तो माइनस फाइव का इमेजिनरी पार्ट क्या है जीरो करो ठीक है आगे बढ़े एल्जब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ठीक है कॉम्प्लेक्स नंबर वैसे एलजेब्रा का ही पार्ट होता है एलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ठीक है कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट होते हैं ना कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दो पार्ट में डिवाइडेड होता है कौन से दो पार्ट में एग्जाम्पल बताओ सब लोग एग्जाम्पल बताओ कॉम्प्लेक्स नंबर का सेवन प्लस थ्री आई माइनस फोर माइनस एट आई एट बाई नाइन माइनस फोर बाई थ्री आई समझ में आ रहा है ना एग्जाम्पल पहले उसमें एक्स सेवन वाई थ्री दूसरे उसमें एक्स माइनस फोर वाई माइनस एट एक्स एट बाई नाइन वाई माइनस फोर बाई थ्री ट्वेंटी फाइव क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ऑल द कॉम्प्लेक्स नंबर आर रियल नंबर ऑल द कॉम्प्लेक्स नंबर आर रियल नंबर ठीक है क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट है इसका एक्स क्या है ट्वेंटी फाइव वाई क्या है जीरो माइनस सेवन आई इसमें लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगा ठीक है माइनस सेवन ठीक है ऑल रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर ये तो बाय डिफॉल्ट तुम लोगों को समझ में आ जाना चाहिए रियल नंबर थोड़ी कॉम्प्लेक्स नंबर आते कौन से रियल नंबर में तुम्हें आई दिख गया नहीं दिखा ना तो रियल नंबर आर नॉट कॉम्प्लेक्स नंबर बट कॉम्प्लेक्स नंबर आर कॉम्प्लेक्स नंबर दो दो या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं तीन पार्ट में डिवाइड कर लू प्योरली रियल प्योरली इमेजिनरी या फिर मिक्सड समझ में आ रहा है ना प्योरली रियल प्योरली इमेजिनरी या मिक्सड ठीक है अभी समझ में आ गया सबको आगे बढ़े अच्छा मेरा रिमोट मैंने कहा रख दिया मैंने बाहर रख दिया क्या अभी बाहर गया था ना मैं नहीं मेरे पॉकेट में पॉकेट में अच्छा i की पावर m इंटू आई की पावर n, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है ये पता है ना बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है यानी i की पावर सेवन इंटू आई की पावर टेन आई की पावर सेवनटीन ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं इनको ऐड करोगे तो रियल पार्ट रियल पार्ट के साथ ऐड होगा कॉम्प्लेक्स पार्ट इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के साथ ऐड होगा मेक सेंस ना अगर फर्स्ट एंड सेकेंड को ऐड करोगे तो क्या होगा सेवन के साथ क्या ऐड होगा माइनस फोर और थ्री आई के साथ माइनस एट आई ठीक है अच्छा लेकिन अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मल्टीप्लीकेशन में हर एक चीज हर एक से मल्टीप्लाई होगी ना x1 x2 से मल्टीप्लाई होगा x1 i y2 से मल्टीप्लाई होगा i y2 x2 से मल्टीप्लाई होगा i y2 i y2 से मल्टीप्लाई होगा ठीक है जैसे अपने पॉलिनोमियल याद है ना पॉलिनोमियल में क्या होता था एक्सक्वायर एक्सक्वायर ऐड होते थे एक्टर एक्स क्यूब एक्स क्यूब एड होते थे एक्सी पॉवर फाइव एक्सी पावर फाइव एड होते थे ठीक है आ ये वन है, एवरी वन दिस इज एक्स वन वाई वन ठीक है अच्छा नो बस एक चीज नोटिस कर लो आई स्क्वायर क्या होता है माइनस वन तो एक्स वन एक्स टू माइनस वाई वन वाई टू और ये ठीक है सब लोग इतना लिख लो एवरी वन प्लीज राइट इट डॉन्ट वैल्यू क्या होती है माइनस वन होती है ना अपनी पहली डेफिनेशन ही यही थी ना आई टू रूट ऑफ माइनस वन आई स्क्वायर माइनस वन तो माइनस वाई वन वाई टू एक्स वन एक्स टू माइनस वाई वन माइनस वाई टू ठीक है नेक्स्ट एक एक करके करते हैं एक एक करके मैं समझाता हूं ठीक है अगर ए एंड बी दोनों रियल नंबर्स हैं और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जीरो है क्या यह कभी पॉसिबल है नहीं पॉसिबल है ना क्योंकि ए स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा बी स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा अगर वो जीरो है तो इसका क्या मतलब है ए बी बोथ आर जीरो रियल नंबर के लिए ये चीज वैलिड होती इमेजिनरी नंबर के लिए नहीं होगी सपोज करो ए टू है और बी टू आई है अगर ए टू है और बी टू आई है तब बताओ जीरो हो सकता है ना क्योंकि टू का स्क्वायर फोर टू आई का स्क्वायर टू आई का स्क्वायर माइनस फोर ठीक है तो ये बस ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कभी आ कभी आगे चल के ये इसको सेंटेंस की तरह नहीं याद रखोगे ये तुम्हें बाय डिफॉल्ट अपने आप समझ में आना चाहिए ठीक है दूसरी चीज रूट ऑफ ए बी को तुम दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हो इफ एंड ओनली इफ दोनों में से कोई भी एक पॉजिटिव हो ठीक है इफ एंड ओनली इफ दोनों में से कोई भी एक पॉजिटिव हो मैं एग्जांपल दिखा रहा हूं कि क्यों अगर दोनों निगेटिव हो गए तो क्यों वैलिड नहीं होगा रूट ऑफ सिक्स को लोगों ने रूट ऑफ माइनस टू इंटू रूट ऑफ माइनस थ्री लिख दिया लिख सकते हैं ना उनकी मर्जी है क्योंकि सिक्स कैसे आता है सिक्स टू इंटू थ्री से भी आता है टू इन माइनस टू इंटू माइनस थ्री से भी आता है तो लिख दिया अच्छा रूट ऑफ माइनस टू क्या बनेगा रूट टू आई रूट थ्री आई तो क्या ये रूट सिक्स आई स्क्वायर बनेगा विच इज माइनस रूट सिक्स तो क्या ये गलत हो गया है देखो ये गलत हो गया ना रूट सिक्स बिकम्स रूट ऑफ माइनस सिक्स रॉन्ग ये पूरा का पूरा रॉन्ग हो गया तभी ये सेंटेंस बोला कि रूट ए बी को तभी ब्रेक कर सकते हो जब उनमें से एक पॉजिटिव हो मतलब रूट ऑफ माइनस सिक्स को ब्रेक कर सकते हो रूट ऑफ माइनस टू इंटू रूट ऑफ थ्री में ठीक है ठीक है ठीक है, ये आई बाहर है अंदर नहीं है ठीक है और वही पहले सेंटेंस को लास्ट सेंटेंस में लिख दिया गया है वापस से कि अगर z1, z2 जेड टू आर कॉम्प्लेक्स नंबर देन जेड वन स्क्वायर प्लस जेड टू स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो दिस डज नॉट इंप्लाई सी ड नॉट एम्प्लाय की जेड वन जीरो हो या जेड टू जीरो हो मैंने अभी एक एग्जाम्पल आप लोगों को दे दिया टू और टू आई वाला ठीक है तो एवरी वन प्लीज राइट इट डाउन ये सब अभी आप इतना लिख रहे हैं आगे चल के ये सब कोई याद रखने वाली चीज नहीं होती बाई डिफॉल्ट यह कॉमन सेंस हो जाता है जैसे बचपन में एबीसीडी पढ़ा होगा वन टू थ्री फोर पढ़ा होगा एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ा होगा ना आगे चल के कोई बताता नहीं है तो ये बाय डिफॉल्ट बहुत ही कॉमन सी चीज हो जाती है ये दोनों आई रूट के बाहर है ये वाला भी आई रूट के बाहर है ये वाला भी ये दोनों आई रूट के बाहर है और ये वाला भी आई रूट के बाहर है ठीक है तो वो बनाते वक्त अगर मैं सही से लिख दू तो इसको ऐसे लिख दो रूट टू आई इंटू रूट थ्री आई अभी क्लियर है अगर किसी को कंफ्यूजन हो रही हो इसको भी ऐसे लिख दो रूट टू आई इंटू रूट थ्री क्लियर हुआ सबको ठीक है आप um, पहले यही आ गया नहीं ये कैसे आ गया एवरीवन पहला क्वेश्चन है ये 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 भूल जाओ फॉरगेट दिस दिस इज द क्वेश्चन ठीक है पिछला स्लाइड लोग पूछ रहे हैं ले लो वन दिस इज अ क्वेश्चन इसकी वैल्यू निकालनी है अच्छा मैं ए, एक चीज लिख रहा हूं साइड में एक चीज लिख रहा हूं साइड में आई की वैल्यू तो आई ही रहेगी इसमें तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है आई स्क्वायर क्या होता था आई स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर इज माइनस वन कोई कंफ्यूजन नहीं क्यूब नोटिस करो आई क्यूब को मैं आई स्क्वायर इंटू आई लिख सकता हूं कैन आई राइट आई क्यूब इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आई यस आई स्क्वायर इज माइनस वन तो दिस बिकम्स माइनस आई This becomes minus i. i ki power 4. i ki power 4 is i square into i square. i square into i square. Which is minus 1 into minus 1, which is 1. i ki power 5 is i into i ki power 4. i इंटू आई की पावर फोर i की पावर फोर वन हो गया तो i, i की पावर सिक्स माइनस i, i की पावर सेवन सॉरी माइनस i नहीं माइनस वन i की पावर सेवन माइनस i, i की पावर एट ये तुमको किस कौन सी चीज याद दिला रहा है बाइनोमियल थ्योरम बाइनोमियल थ्योरम में हमने देखा था ना लास्ट डिजिट वाली चीज वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट लास्ट डिजिट वाला सीक्वेंस याद है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व हर फोर के बाद रिपीट कर रहा है तो मेरा बाइनोमियल थ्योरम ये बोलती है कि अगर फोर के बाद रिपीट कर रहा है तो ये तो वन रहेगा वॉट इज आई आई इज आई आई स्क्वायर इज माइनस वन आई क्यूब इज माइनस आई आई की पावर फोर वुड भी अगेन प्लस वन आई की पावर फाइव वुड भी आई आई की पावर सिक्स वुड भी माइनस वन आई की पावर सेवन वुड भी माइनस आई इस तरह से चलता चला जाएगा मुझको ये बताओ आई की पावर टू थाउजेंड सिक्स क्या होगी कैसे निकालोगे आई की पावर टू थाउजेंड सिक्स उसको डिवाइड करोगे फोर से किसको डिवाइड करोगे फोर से पावर को ये बिल्कुल बाइनोमियल थ्योरम जैसा ही है टू थाउजेंड सिक्स को किससे डिवाइड करोगे फोर से रिमाइंडर क्या आता है शायद टू आता है ना रिमाइंडर वन रिमाइंडर टू रिमाइंडर थ्री रिमाइंडर जीरो रिमाइंडर वन रिमाइंडर टू रिमाइंडर थ्री रिमाइंडर जीरो समझ में आया ना जब भी रिमाइंडर वन आएगा इट इज आई रिमाइंडर टू आएगा इट इज माइनस वन रिमाइंडर थ्री आएगा इट इज माइनस आई रिमाइंडर परफेक्टली डिविजिबल है इट इज वन तो मुझको बताओ आई की पावर टू थाउजेंड सिक्स में रिमाइंडर क्या टू टू रिमाइंडर वाला माइनस वन पे खत्म हो रहा होगा कहीं ना कहीं ठीक है माइनस वन पे खत्म हो रहा है अच्छा तो नोटिस करो अगर माइनस वन पे खत्म हो रहा है मैं अब ये पूरा रफ कर दे रहा हूं क्योंकि मेरा पीछे होगा वन प्लस आए माइनस वन माइनस आए डॉट 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 माइनस वन उससे पहले क्या आ रहा होगा देखो हर फोर फोर कैंसिल हो जा रहे हैं वन से लेके माइनस आई तक वन से लेके माइनस आई तक तो बच क्या रहा है इन द एंड वन आई एंड माइनस वन यही बच रहा है ना फाइनल आंसर इसका आई आया एवरीवन माय फाइनल आंसर इज आई देख लो ठीक है। आई के कॉन्जिक्यूटिव फोर पावर्स हमेशा कैंसल हो जाएंगे जो भी चार कॉन्जिक्यूटिव फोर पावर्स होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे क्यों क्योंकि वो एक सीरीज बनाएंगे वन आई माइनस वन माइनस आई माइनस वन इस तरह से ठीक है तो बेसिकली कहां तक कैंसिल हो जाएंगे 2003 तक 2004, 5 एंड 6 वाले बचे होंगे चाहे तुम सामने से कैंसल करना शुरू करो चाहे पीछे से कैंसिल करना शुरू करोगे तो आगे के तीन बचेंगे टोटल कितने टर्म्स हैं एनी आइडिया ये बताओ हाउ मेनी टर्म्स आर हेयर टोटल 2007 टर्म्स हैं दे आर 2007 टर्म्स क्योंकि जीरो से शुरू हो रहा है ना जीरो वन टू से लेके 2006 तक 2007 टर्म्स तो 2007 टर्म्स में चार चार के कैंसिल किया तो चार चार का कैंसिल किया तो कितने बचे सिर्फ तीन टर्म्स बचे वो तीन टर्म्स कौन से थे ये तीन टर्म्स ठीक है ठीक है आईजी पावर टू थाउजेंड कैसे हुआ क्योंकि उसका 2006 को मैं फोर से डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर टू आ रहा है टू रिमाइंडर वाली सीरीज अभी मैंने यहां पे साइड में लिख दी थी ठीक है ठीक है अच्छा i की पावर वन i, i की पावर टू माइनस वन आई के पावर थ्री माइनस आई i की पावर फोर ये वन बाई आई क्या होगा वन बाई आई ऊपर वाले वन को क्या लिख सकते हो न्यूमिरटर वाले वन को आई की पावर फोर लिख सकते हो ना तो क्या ये आई की पावर फोर बाई आई बना विच इज विच इज इक्वल टू आई क्यूब विच इज इक्वल टू ठीक है तो इसका मतलब मैं i की किसी भी पॉजिटिव या निगेटिव पावर को रिड्यूस कर सकता हूं मतलब जैसे अगर मैं बोलूं i की पावर माइनस नाइंटी सेवन चलो ये निकालना है दिस इज वन अपॉन i की पावर 97 सेवन ये वन क्या क्या हो सकता है वन हो सकता है i की पावर फोर आई की पावर एट आई की पावर ट्वेल्व 97 सेवन से ऊपर 97 सेवन से ऊपर फोर का कौन सा मल्टीपल है 97 सेवन से ऊपर मतलब ग्रेटर देन नाइनटी सेवन ठीक है कुछ लोग 98 एट बोल रहे हैं मैं फोर का मल्टीपल पूछ रहा हूं बच्चों फोर का मल्टीपल इट इज हंड्रेड तो कैन कैन आई राइट माई वन इज इक्वल टू आई जी पावर हंड्रेड ठीक है विच इज आई क्यूब विच इज माइनस आई ठीक है एक ये मेथड है दिस इज वन ऑफ द मेथड एक और मेथड है वन अपॉन आई की पावर नाइंटी सेवन मैं आई की पावर नाइन्टी सेवन को क्या लिख सकता हूं यूजिंग दिस रिमाइंडर थ्योरम आई की पावर नाइंटी सेवन को नाइन्टी सेवन को किससे डिवाइड करो फोर से रिमाइंडर क्या बच रहा है वन बच रहा है रिमाइंडर वन बच रहा है तो आई की पावर नाइन्टी सेवन क्या बनेगा इट वुड बी वन बाई आई ना and 1 by i is minus i समझ में आया तो i की कितनी से छोटी से छोटी या कितनी बड़ी से बड़ी कोई भी पावर होगी एवरी वन आई की छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी कोई भी पावर होगी मैं सॉल्व कर सकता हूं ठीक है तो मेरे पास या तो कांस्टेंट वैल्यू होंगी या आई की पावर वन होगी क्यों आई से के ऊपर की कोई भी पावर को मैं रिड्यूस कर सकता हूं आई की पावर सिक्सटी टू आई की पावर सिक्सटी टू क्या बनेगा रिमाइंडर क्या आ रहा है टू आ रहा है ना रिमाइंडर टू वाला माइनस वन ठीक है अच्छा कुछ लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है वन बाई आई को क्या लिख सकते हो ऊपर वाले वन को क्या लिख सकते हो आई की पावर फोर बाई आई आई की पावर फोर बाई आई क्या बनेगा आई क्यूब विच इज माइनस आई अभी क्लियर है लेकिन ये सब सीधे सीधे तुमको ये पता होना चाहिए क्लियर सब लोग मैं रफ करूं पूरा पेज यस yes. मैं पूरा पेज रफ कर रहा हूं एवरी वन टू प्लस थ्री आई का होल स्क्वायर की वैल्यू निकालो टू प्लस थ्री आई के होल स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो कैसे निकालोगे अपना बेसिक स्क्वायरिंग वाला मेथड से ठीक है क्या होगा ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ए इंटू बी टू स्क्वायर इज फोर थ्री आई स्क्वायर इज थ्री आई स्क्वायर इज माइनस आ काफी लोगों ने लिख लिया था तो मैं इसी वजह से जल्दी कर दे रहा हूं माइनस नाइन प्लस टू टू जो फोर तो मेरा आंसर बन रहा है माइनस फाइव प्लस ट्वेल्व आई ठीक है यही चीज यहां पे भी लिखी है लिख लो सब लोग एवरी वन ठीक है एक्स माइनस फाइव है वो मिस्टेक लिखी गई है ठीक है एंड वाई ट्वेल्व है clear is everyone clear till this point आगे बढ़ते हैं। ये तो वही था पिछले पेज वालों का ये इसकी कुछ गड़बड़ हो रखा है ये पहले क्यों आ रखा है एवरीवन सबसे पहले ये क्वेश्चन लिख लो फिर मैं बताऊंगा क्या करना है एवरीवन सबसे पहले क्वेश्चन लिख लो इस तरह का क्वेश्चन हमने थ्योरी ऑफ इक्वेशन में लिखा था किया था थ्योरी ऑफ इक्वेशन में भी मैंने किया था टू प्लस रूट थ्री और एक बड़ी सी वैल्यू निकालना सबको याद होगा कवरअप में भी मैंने कराया था टू प्लस रूट थ्री और एक बड़ी सी वैल्यू निकालना ठीक है पहले क्वेश्चन लिख लो यस yes, सब लोग सही बोल रहे हैं पहले क्वेश्चन लिख लो फिर मैं इस पेज पे स्टेप बताऊंगा क्वेश्चन लिख लिया सबने अब मैं बताता हूं सबसे पहले जो चीज दे, दे रखी है x इज इक्वल टू वन प्लस आई वाई वन प्लस आई ठीक है इस वन को दूसरी साइड भेज सकते हैं x माइनस वन इज इक्वल टू आई कैन आई स्क्वायर बोथ साइड यस आई कैन स्क्वायरिंग बोथ साइड स्क्वायरिंग बोथ साइड एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर और आई स्क्वायर इज माइनस वन क्या ये वैल्यू मिली तुमको जैसे स्क्वायर करेंगे आई उड़ जाएगा ना ठीक है ये एक वैल्यू मिल गई अब ये जो बड़ा सा नंबर दिख रहा है ना यू डिवाइड दिस नंबर बाय दिस एक्सप्रेशन यू डिवाइड दिस नंबर दिस बिग एक्सप्रेशन बाय दिस स्मॉलर एक्सप्रेशन जो हम नेक्स्ट पेज में करेंगे तो एवरी प्लीज इतना लिख लोगे, ठीक है? वो पॉलिनोमियल डिवीजन सबको पता होना चाहिए कैसे एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं Please write it down. लिखो डन हुआ ठीक है तो मैं अब पॉलिनामियल डिवीजन बेसिकली इसको इस टर्म को इससे डिवाइड करेंगे सबसे पहले एक्स की पावर फोर लाना पड़ेगा तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लाई किया ऑब्वियसली सब्ट्रैक्ट किया वो माइनस पॉजिटिव माइनस लिख लो उसको सब क्रैक किया तो पहला वाला पोर्शन हमेशा कैंसिल होगा बाकी बचेगा अब यहां पे माइनस टू एक्स क्यूब लाना है यहां एक्सक्वायर है तो माइनस टू एक्स से मल्टीप्लाई किया तो पूरा आया अगेन पहला वाला पोर्शन कैंसल होगा रिमाइंडर बचेगा माइनस थ्री एक्स एक्सक्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन माइनस थ्री एक्सक्वायर लाना है यहां पर एक्सक्वायर है तो माइनस थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे ये वैल्यू बची तो आंसर शुड बी दिस वैल्यू लेकिन आंसर एक्स के टर्म्स में थोड़ी आता है एक्स तो तुम्हें ऑलरेडी गिवन है तो अगर मैं आंसर की बात करूं माइनस फोर एक्स प्लस सेवन लेकिन एक्स की वैल्यू क्या थी एक्स की वैल्यू क्या थी वन प्लस आई थी कि वन माइनस आई वन प्लस आई X की वैल्यू वन प्लस आई थी सही सही बोल रहा हूं मैं प्लस माइनस फोर प्लस सेवन तो थ्री दिस शुड बी योर आंसर गॉट इट दिस शुड बी योर आंसर मेरा आंसर मुझको मिल गया गॉट इट सबको थ्योरी ऑफ इक्वेशन अपनी पुरानी यादें ताजा हो गई ठीक है तो जब भी पुरानी कोई चीज याद आती है ना जैसे पुराना कुछ देखा हुआ याद आता है तो बहुत अच्छी सी फीलिंग आती है जैसे नर्सरी के जी का प्यार वो बचपन का प्यार अब तुम लोग बड़े हो गए हो 11, ट्वेल्थ में आ गए हो लेकिन बचपन का प्यार अगर सामने दिखेगा तो खुशी होगी ना सेम ये हमने पहले बिल्कुल आज से छह महीने पहले चार महीने पहले देखा था राइट तो वही मेथड हमने वापस यूज किया है वहां पे मैंने क्या देखा था x प्लस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू टू प्लस रूट थ्री या थ्री माइनस रूट फाइव वहां पे रूट के टर्म्स में आ रहा था यहां पे i के टर्म्स में आ रहा है रूट के टर्म्स में आता है तो उस नंबर्स को क्या बोलते हैं जब भी रूट आ जाता है नंबर्स को क्या बोलते हैं इर नंबर्स नंबर जब भी आई आ जाता है तो उनको क्या बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स समझ में आ रहा है ना तो रिलेशन वही है ये क्वेश्चन तुम्हारा सीटी में आता है बोर्ड्स में आता है दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन डू कम्स इन योर बोर्ड्स एंड सीटी नॉट इन जेई मेन ठीक है जेई मेन में इसके ऊपर बेस्ड अप्लीकेशन आएगा ठीक है करें शे ठक्कर पुरानी थ्योरी रिवाइज करना थ्योरी ऑफ इक्वेशंस की याद आ जाएगा करेक्ट डन यस तो आंसर कुछ लोग अगर पूछ रहे हो ये होता क्यों क्योंकि ये मेरा रिमाइंडर थ्योरम ये बोलता है कि एक पोलियोनोमियल को जिससे डिवाइड किया और जो भी क्वेश्चन वो आया उसके मल्टीप्ला प्लस रिमाइंडर के टर्म्स में होगा एक पार्ट अगर जीरो है तो ये पार्ट पूरा जीरो हो जाएगा तो दिस वुड बी इक्वल टू रिमाइंडर ठीक है बट ये लिखने की जरूरत नहीं है आपके लिए ठीक है फिर एक और क्वेश्चन ये क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में कर लेंगे मैं शीट शेयर कर दूंगा वही चीज करनी होगी फिर से वापस क्यों इस पूरा पूरा करें ठीक है मैं शीट शेयर कर दूंगा ये क्वेश्चन करके हम ब्रेक लेंगे एवरीवन। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन करके हम ब्रेक लेंगे चलेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चलेगा ठीक है गुड चलना चाहिए बड़े हो गए ना चलना चाहिए फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ फाइव प्लस ट्वेल्व आई फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ फाइव प्लस ट्वेल्व आई ठीक है अब स्क्वायर रूट पूछा है Uh, सारे रियल नंबर्स का स्क्वायर रूट करना तो सबको पता होता है ना सब रियल नंबर तो पता है इसमें देखते हैं कि किस तरह से स्क्वायर रूट किया जाता है देर शुड बी वे राइट देर शुड बी समवे अच्छा एक कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या वो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा कि रियल नंबर आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर आना चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर यानी स्क्वायर रूट ऑफ फाइव प्लस ट्वेल्व आई शुड बी एक्स प्लस आई वाई करेक्ट ये मैंने लाइन सही लिखी है किसी को इस लाइन में कंफ्यूजन नहीं अब अगर मुझे सॉल्व करना है तो स्क्वायर रूट हटाना है अगर मुझे स्क्वायर रूट हटाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा स्क्वायर स्क्वायर कर दिया फाइव प्लस ट्वेल्व आई इधर भी स्क्वायर स्क्वायर किया x का अगर किसी को नहीं आता तो मैं यहाँ पे x का होल स्क्वायर क्या बनेगा प्लस टू टाइम्स ए बी ये चीज बिल्कुल रटी होनी चाहिए x स्क्वायर आई वाई का होल स्क्वायर आई स्क्वायर वाई स्क्वायर आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन तो ये चीज बिल्कुल रटीक होनी चाहिए आपको ठीक है अगर मैं बोलू टू माइनस थ्री आई का होल स्क्वायर क्या बनेगा ये एक्स स्क्वायर यानी फोर माइनस वाई स्क्वायर माइनस थ्री का होल स्क्वायर नाइन फोर माइनस नाइन टू एक्स वाई टू इंटू माइनस थ्री माइनस ट्वेल्व आई करेक्ट लिखा है मैंने किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर करना आपको पता होना चाहिए मैंने दो एग्जाम्पल करा दिए हैं जिनको भी इसमें इश्यू है वो पांच छह एग्जाम्पल खुद से कर लेंगे कोई भी पांच नंबर लेके खुद से कर देंगे ठीक है अच्छा क्लियर अच्छा अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर सुनो दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल है दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल है तो उनका रियल पार्ट इक्वल होगा एंड उनका इमेजिनरी पार्ट इक्वल होगा एम आई करेक्ट यानी कि रियल पार्ट फाइव इज इक्वल टू एक्सक्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड इमेजिनरी पार्ट ट्वेल्व इज इक्वल टू टू एक्स वाई करेक्ट है कंपेरिजन सीधे सीधे comparison. कितने वेरिएबल्स हैं हाउ मेनी वेरिएबल्स वी हैव इन दिस क्वेश्चन टू वेरिएबल्स हाउ मेनी इक्वेशन डू वी हैव टू इक्वेशन मैं निकाल सकता हूं कैसे निकालूंगा यहां से मैं एक्स या वाई की वैल्यू सपोज करो y की वैल्यू यहां से पहली वाली इक्वेशन यहां से y की वैल्यू क्या निकली सिक्स वाई एक्स मैं इसमें पुट कर दू ये x में सिर्फ x में एक इक्वेशन बन गई देख लो ये x में एक इक्वेशन बन गई यहां से मैं एक्स की वैल्यू निकालूंगा नेक्स्ट पेज पे आऊंगा सब लोग यहां से मैं X की वैल्यू निकालूंगा करो यहां तक लिखो फिर मैं नेक्स्ट पेज में दिखाता हूं X की वैल्यू X और y क्या थे दे दे वर रियल नंबर्स ऑफ द रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब रियल एक्स वॉज रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर वाई वॉज इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर लेकिन एक्स एंड वाई दोनों एक्चुअल में रियल नंबर होने चाहिए दे कैन नॉट बी इमेजिनरी नंबर दे हैव टू बी इंडिविजुअली दे हैव टू बी रियल नंबर राइट यहां तक क्लियर है इज एवरी वन क्लियर यहां पर एल्सियम ले लिया है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है ठीक है मैं नेक्स्ट पेज पे आ रहा हूं तो एक्स स्क्वायर यहां यहां पे पिछले पेज में अगर मैं बोलू ये बन जाएगा स्क्वायर प्लस फोर तो ये मेरा नेक्स्ट पेज में आएगा तो इज इक्वल टू माइनस फोर इज इक्वल टू नाइन क्या दोनों मेरे आंसर हो सकते हैं क्या दोनों मेरे आंसर हो सकते हैं नहीं x इज रियल नंबर तो पहला वाले पार्ट से कोई भी आंसर नहीं आ सक नहीं आएगा ये वाला पार्ट मेरा गलत दे देगा दूसरा वाला पार्ट मेरा सही देगा x की वैल्यू प्लस माइनस थ्री नाउ वाई क्या था सिक्स बाई एक्स था ना तो वाई की वैल्यू टू एंड माइनस टू यानी जब x की वैल्यू थ्री है तो y की वैल्यू टू होगी थ्री प्लस टू आई जब x की वैल्यू माइनस थ्री है तो y की वैल्यू माइनस टू तो दीज टू आर माई आंसर स्क्वायर रूट ले रहे हैं ना स्क्वायर करके स्क्वायर रूट ले रहे हैं ना तो देर इज अ चांस कि मुझे दो आंसर्स मिलेंगे राइट सो दिस वॉज द ओवरऑल मेथड is everyone clear till this point ठीक है ठीक है क्या किया है मैंने स्क्वायर रूट ऑफ दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई मान लिया स्क्वायर किया स्क्वायर किया एक्स की वैल्यू निकाली और एक्स की वैल्यू निकालने के बाद एक्स इज इक्वल टू थ्री पे वाई की वैल्यू टू आई तो थ्री टू वाला एक कॉम्बिनेशन मिला वैल्यू माइनस थ्री पे वाई की वैल्यू माइनस टू आई तो माइनस थ्री माइनस टू तो ये पूरा का पूरा मेथड था मुझे सॉल्व करने का ठीक है अगर पिछले पेज में किसी को कंफ्यूजन थी तो देख लो मैं हमेशा रियल पार्ट रियल के साथ और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के साथ इक्वेट कर सकता हूं ये मेरा आई वाला पोर्शन है दिस शुड बी इक्वल टू आई वाले पोर्शन के साथ बाकी बच्चा जो रियल वाला पोर्शन है दैट शुड बी इक्वल टू रियल वाले पोर्शन के साथ ठीक है इट तो इस वजह से सॉल्व करके ये वैल्यू आई हाँ यस गाइस ब्रेक लेते हैं ब्रेक मेरे उसमें क्या टाइम हो रहा है यस एट टेन पे मिलेंगे विल मीट एट एट टेन ओके मिलते हैं एट टेन पे यस बाय एवरीवन लेट्स टेक अ ब्रेक शॉर्ट ब्रेक 哎。 आवाज आ रही है साहब वेलकम बैक यस थैंक यू शुरू करते हैं ठीक है यस चलो एक और क्वेश्चन करते हैं मैं उसको कि क्वेश्चन है क्वेश्चन फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ आई एवरी वन आई का स्क्वायर रूट निकालो क्वेश्चन है फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ आई दो तीन मिनट है तुम लोगों के पास करो एवरी वन आई का स्क्वायर रूट निकालो ठीक है अगर किसी को पिछला वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा डोंट वरी अभी आई का स्क्वायर रूट जब मैं करूंगा तो वो चीजों से पिछला वाला क्वेश्चन और समझ में आ जाएगा पहला स्टेप मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूं स्क्वायर रूट ऑफ आई इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई वही अपना पहला स्टेप यही लिखोगे जैसे लोकस के क्वेश्चन में सबसे पहली चीज लिखते हो लेट द लोकस भी एच कॉमा के उसी तरह जिसका भी स्क्वायर रूट निकालना है स्क्वायर रूट ऑफ दैट इज इक्वल टू एक्सप्ल सेकेंड स्टेप भी सेम है क्या करोगे दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो आई इज इक्वल टू इसका स्क्वायर अब तक रटा रट जाना चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई आई कैन आई कंपेयर अगर मैंने दोनों साइड का कंपैरिजन किया तो बताओ रियल पार्ट क्या है रियल पार्ट जीरो इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड इमेजिनरी पार्ट वन इज इक्वल टू टू एक्स वाई एम आई करेक्ट एवरी वन यहां तक तो मैंने कुछ भी अलग नहीं किया हर एक क्वेश्चन में यही होने वाला है जिसका स्क्वायर रूट निकालना है उसको एक्स प्लस आई वाई करेंगे स्क्वायर करेंगे एंड सॉल्व करेंगे ठीक है अब 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 क्या करते थे एक जगह से वाई की वैल्यू निकालते थे दूसरी जगह पुट कर देते थे यहां से वाई की वैल्यू क्या होगी इसमें पुट कर सकते हैं कैन आई पुट इट है यस एक्स स्क्वायर स्क्वायर इज इक्वल टू वाई दिख रहा है वाई की वैल्यू पुट की तो मुझे एक्स की पावर फोर इज इक्वल टू वन बाई फोर मिल रहा है इससे एक्स की वैल्यू क्या मिल रही है एक्स स्क्वायर की वैल्यू वन बाई टू मिल रही है प्लस माइनस वन बाई टू मिल रही होगी लेकिन माइनस वन बाई टू नहीं इग्नोर कर रहे होंगे ना यहां से एक्स की वैल्यू प्लस माइनस वन बाई रूट टू मिल रही है ठीक है जिसको मैं नेक्स्ट पेज में वापस दिखा रहा हूं स्क्वायर रूट ऑफ आई निकालना था वैल्यू सॉल्व की दिखा सबको y की वैल्यू ये मिली और यहां से x की जो वैल्यू मिली प्लस माइनस वन बाय रूट टू अगर मैंने इसको यहां पे वापस पुट कर दिया दो वैल्यूज मिली प्लस वन बाय रूट टू के लिए y की वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ पे x की वैल्यू 1 by root 2 पर्पट करेंगे तो y की भी वैल्यू 1 by root 2 मिलेगी फॉर x is equal to 1 by root 2 x is equal to minus 1 by root 2 के लिए y की वैल्यू क्या मिलेगी minus 1 by root 2 तो मेरा वैल्यूज क्या निकली फाइनल मेरा जो मेरा जो फाइनल आंसर निकला वो क्या निकला एक वैल्यू निकली वन बाय रूट टू प्लस वन बाय रूट टू आई और दूसरी वैल्यू निकली माइनस वन बाय रूट टू माइनस वन बाय रूट टू आई ठीक है दिस इज माय टोटल वैल्यू एवरीवन प्लीज राइट इट डाउन तो इस तरह से इस तरह से मेरा पूरा का पूरा क्वेश्चन हो गया ठीक है क्या किया स्क्वायर रूट ऑफ आई निकालना था सबसे पहले स्क्वायर रूट ऑफ आई टू ये पार्ट किया। किया, को रियल पार्ट के इक्वल किया इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी इमेजिनरी पार्ट पार्ट के इक्वल किया वाले से वाई की वैल्यू निकाली फर्स्ट पार्ट में पुट की एक्स में इक्वेशन बना एक्स की दो वैल्यू निकली और फिर वाई की वैल्यू निकली और इन द एंड सॉल्व हुआ ठीक है कुछ लोगों कुछ क्या काफी लोगों को फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा ऊपर से गया होगा ऐसा हो सकता है आई टोटली एग्री ऊपर से गया होगा ठीक है तो डोंट वरी इसकी रिकॉर्डिंग देखना मैंने लिंक uh, भी शेयर किया था लेक्चर के स्टार्टिंग में ही ठीक है तो प्लीज वो रिकॉर्डिंग देख लेना तो तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो जाएगी गॉड आंसर yes, तो जो निकला इसका दीस टू आर द Answers. तो कभी भी कोई भी क्वेश्चन का तुम्हें कोई भी नंबर का स्क्वायर रूट पूछा गया है तो दिस इज द मेथड विच वी नीड टू आगे बढ़ते हैं काफी कुछ पढ़ा है आज हमने एवरीवन, uh, मतलब आराम आराम से भी गए बट स्टिल वी हैव गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग टुडे। चार लेक्चर का टारगेट है मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर कंप्लीट करने का दिस वीक एंड नेक्स्ट वीक अभी छोड़ नहीं रहे कंटिन्यू कर रहे हैं ठीक है आ, ये क्वेश्चन होमवर्क में कर लेना इसका स्क्वायर रूट निकालने वाला आ, मैं शीट शेयर कर दूंगा ट्राई इट इन एज अ होमवर्क नेक्स्ट ठीक है Conjugate of ऑफ complex नंबर कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट बेसिक कॉन्जुगेट आपको सबको पता है ना कॉन्जुगेट क्या होता था टू प्लस रूट थ्री का कॉन्जुगेट क्या होता था टू प्लस रूट थ्री का टू माइनस रूट थ्री ठीक है तो बेसिकली टू प्लस थ्री आई का क्या होगा टू माइनस थ्री आई जो आई है ना आई उसको माइनस आई कर दो मुझे अपने आई को माइनस आई कर देना है that's it. अगर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है तो द कॉन्जुग्रेट ऑफ z इज x माइनस आई वाई और उसको डिनोट किया जाता है z बार से z बार से क्या कर दोगे मेरा कॉन्जुगेट के लिए मेरा आई को मैं माइनस आई कर दूंगा मतलब जो भी उसका इमेजिनरी पार्ट है उसको मैं अपोजिट साइन का कर दूंगा Z बार से डिनोट किया जाता है कॉन्जुगेट को क्योंकि हर बार कॉन्जुगेट स्पेलिंग थोड़ी लिखोगे मैथ्स में स्पेलिंग थोड़ी चलती है मैथ्स में कोई नोटेशन चलता है तो वो छोटा सा नोटेशन क्या है z बार ठीक है तो मुझको बताओ अगर z इज इक्वल टू माइनस फाइव माइनस फोर आई है तो z बार क्या होगा अगर z माइनस फाइव माइनस फोर आई है तो z बार क्या होगा माइनस फाइव प्लस फोर आई ठीक है आर यू गाइस क्लियर अब कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं बहुत ही सिंपल सिंपल सा है कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसे इजी पार्ट होता है आई रिपीट कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नंबर कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसे इजी पार्ट होता है तो आगे चल के तुम्हारा ऐसा होगा कि तुम जो क्वेश्चन हो, हो रहे होंगे ना उनको तुम कॉन्जुगेट में कन्वर्ट कर रहे हो राइट? Right? ठीक है देखेंगे कैसे करेंगे वो हम देखते हैं, ठीक है? ठीक है? है। अच्छा, बच्चों मैथ समझ में आ रही है ना ऐसा तो नहीं है ना मतलब सी डिफिकल्ट होती है रिलेटिवली मैथ क्वेश्चन सॉल्व करने में तुम्हें मेहनत लगेगी दिमाग चलेगा दिमाग टायर्ड होगा मेंटल एग्जर्शन होगा आई आई कैन टोटली से कि ये सारी चीजें होंगी ठीक है ठीक है अगर नहीं ले ली जा रही तो बायो ले लो बायो में भी मेहनत करनी पड़ेगी आई एम नॉट से बायो इजी है बट बायो में थोड़ा सा रटना ज्यादा पड़ेगा मैथ्स में अप्लीकेशन ज्यादा करना पड़ेगा ठीक है तो ठीक है अगर उसमें भी नहीं मन, मन है तो नेक्स्ट ईयर जब ट्वेल्थ में पहुंचना कॉमर्स ले लेना फिर कॉमर्स पहुंचोगे तो उसमें भी अकाउंटिंग्स आएगी फाइनेंस आएगा तो फिर सोचोगे मैं क्या करूं मैं आर्ट्स ले लू आर्ट्स में थोड़ा सा इंग्लिश और ये सारी चीजें आएंगी तो इतना समझो मेहनत तुमको हर जगह करनी है तो जब मेहनत हर जगह करनी है तो वाई नॉट नाउ ठीक है इसी में कर लेते हैं मैथ्स में ही कुछ तो समझ में आ रहा है ना राइट right? हाँ तो आ, भागना नहीं है लगे रहना है जुटे रहना है दूसरी चीज मैं काफी अच्छे लेवल तक ले चलता हूं मतलब इट इज नॉट लाइक कि सारी की सारी चीजें बिल्कुल इजी 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 करके खुश करने के लिए नो वी स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक एंड गो टिल द टॉप तो आई कैन अंडरस्टैंड कि कुछ कुछ क्वेश्चंस में लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है तो होने दो थोड़ा सा और मेहनत करेंगे और रिवाइज करेंगे और क्वेश्चन करेंगे राइट right? होगा होगा ठीक है Yes. Got it. कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कॉमन कॉमन सेंस वाली प्रॉपर्टीज है ठीक है आदित्य ने पूछा सर हाउ डज बार चेंज द साइन यही तो बेटा कॉन्सेप्ट है कॉन्जुगेट का मतलब इट इज चेंजिंग द साइन ये हमने डिफाइन किया है मतलब ये मैंने डिफाइन किया चलो डिफाइंड बाय आदित्य सर ये मेरी मर्जी है ना ठीक है इट इज इट इज द वे इट इज दिस इज डेफिनेशन यस दिस आतिफ लॉ ठीक है <laughs> Conjugate law is the आतिफ मतलब यही definition है कि माइनस आई से कर दू दिस इज द लॉ ठीक है तो मुझको बोलो जेड बार का होल बार मतलब दो बार मैं बार करूंगा तो क्या करें होगा वापस वही अपने पुरानी चीज पे पहुंच जाएंगे प्लस जेड बार देखो इन दोनों को ऐड करो क्या दिख रहा है तुमको Z प्लस जेड बार इन दोनों को ऐड करो क्या दिख रहा है क्या बन रहा है आई वाई आई वाई वाला पोर्शन कैंसिल हो जा रहा है X X बन के 2X बन जा रहा है 2X 2X क्या है X क्या है वॉट इज एक्स एक्स इज रियल पार्ट तो टू टाइम्स रियल पार्ट ऑफ जेड या टू टाइम्स रियल पार्ट ऑफ जेड बार जेड बार का रियल पार्ट भी तो एक्स है ना बोथ इक्वल टू टू एक्स करेक्ट अच्छा जेड माइनस जेड बार क्या हो रहा है सब करो तो क्या हो रहा है टू टाइम्स आई वाई यहां पर लोग भूल जाते हैं कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड में वाई नहीं होता था टू टाइम्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इन टू आई भी करना पड़ेगा क्योंकि वाई इज द गॉट इट इतना लिख लो एवरी वन प्लीज राइट इट डाउन मेहनत लग रही है बट प्लीज राइट इट डाउन ठीक है इसके बाद नेक्स्ट पेज करेंगे उसके बाद छोड़ देंगे नेक्स्ट पेज में भी कुछ प्रॉपर्टीज है कुछ कुछ चीजें हैं वो करके प्रॉपर्टीज आज कर लेंगे ठीक है अच्छा कुछ लोगों को बार प्रॉपरली नहीं दिख रहा है तो मैं बार को और वो कर लेता हूं दिस बार डबल बार वेड बार अभी दिख रहा है प्रॉपरली वो छोटा सा है अब बड़ा हो गया ठीक है मैचिंग हाँ. मैचिंग जो 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 रेड कलर का है ना दैट इज बार रेड रेड हम्म डबल बार ऑब्वियसली सेम डबल बार का मतलब उड़ गया एक बार तुमने निगेटिव किया फिर पॉजिटिव कर दिया तो वो सेम ही हुआ ना तीन बार का तीन बार मतलब बार 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 मतलब सिंगल फोर मतलब गायब ठीक है यस yes. ठीक है नेक्स्ट पेज पे आओ नेक्स्ट पेज पे आओ इफ Z इज इक्वल टू जेड बार अगर जेड और जेड बार सेम है कब हो सकते हैं जब उसका वाई वाला पार्ट जीरो हो जब उसका वाई वाला पार्ट हो ही ना Z is purely real. If Z plus Z bar is equal to zero, if Z plus Z bar is equal to zero, Z plus Z bar क्या होता था? Two X होता था ना? तो इसका मतलब X zero है. इस इसका मतलब Y is equal to zero. इसका मतलब X is equal to zero. करेक्ट ठीक है तो ये जो फिफ्थ तक प्रॉपर्टीज है ना एवरीवन जो ये फिफ्थ तक प्रॉपर्टीज है ये कॉमन सेंस वाली प्रॉपर्टीज है इनको इनका वैसे डायरेक्ट यूज नहीं आता इनडायरेक्टली लैंग्वेज वैंग्वेज में यूज आ जाता है जो यहां पे प्रॉपर्टीज लिखी है ना दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो अभी मैं लिखने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एंड सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आएंगे वो इन प्रॉपर्टीज को यूज करने वाले आएंगे दो तरह के दो क्या तीन तरह के क्वेश्चन आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में एक ये वाला पार्ट आता है एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वाला पार्ट होता है और एक एनएच रूट ऑफ यूनिटी वाला होता है कॉम्प्लेक्स नंबर तीन पार्ट में डिवाइड होता है टोटल टोटल ठीक है तो जो पहले वाले पार्ट के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल्स ये हैं मैं क्यों बोल रहा था बार सबसे ज्यादा यूज होगा क्योंकि बार की प्रॉपर्टी सबसे इजी होती है जेड वन प्लस जेड टू का होल बार इज इक्वल टू जेड वन बार प्लस जेड टू बार जेड वन इंटू जेड टू का होल बार का अच्छा पहले वाले में अगर मैंने प्लस की जगह माइनस भी लिख दिया होता तो कोई फर्क पड़ता z1 वन माइनस जेड टू का होल बार इज जेड वन बार माइनस जेड टू बार मतलब मेरा सेंटेंस याद रखो बार अंजुगेट अ कॉन्जुगेट और अ बार कैन बी स्प्लिट ओवर एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन डिविजन कॉन्जुगेट को ब्रेक कर सकते हो एडिशन सब्ट्रैक्शन में भी मल्टीप्लीकेशन डिविजन में भी ठीक है वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है very important everyone next page huh. very important okay. Okay. बेल बजी थी एवरीवन मैं आ गया ना बेल बजी थी एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट वो ठीक है ठीक है गॉट इट दिस वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जिसके ऊपर इसके बाद में कॉन्जुगेट किया है इसके बाद में मॉड्यूलस कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होने वाली है नेक्स्ट स्लाइड इज मैं स्लाइड पूरी की पूरी शेयर कर दूंगा एक बार स्लाइड गो थ्रू कर लेना अच्छा होगा थोड़ा सा नेक्स्ट क्लास में समझ में आएगा आई विल शेयर द द कंप्लीट स्लाइड ठीक है यस वी आर डन फॉर डे क्योंकि नेक्स्ट चीज मॉड्यूलस है विच इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ठीक है तो मैं मॉड्यूलस का बताऊंगा है अच्छा खासा है इसमें काफी पोर्शन है फिर, ठीक है ये मॉड्यूल जब शुरू करूंगा तो मॉड्यूल थोड़ा सा लंबा था जाता है ठीक है मतलब ये बहुत प्यार से पढ़ाऊंगा ठीक है हाँ ये मैं सब ग्रुप में शेयर कर दूंगा आई विल शेयर इट टू एवरी ग्रुप ओके ठीक है चलो एवरी वन मिलते हैं फ्राइडे Bye bye, bye bye, bye bye, bye. bye.